नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको भिंडी की सब्जी बताने वाली हूँ, जो कि मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो तरीका है वो भी मैंने पहली बार खुद भी ऐसे बनाई और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई। और साथ में मैंने वीडियो भी शूट कर लिया है और घर में सबको पसंद आई और सबको मैंने फिर खाते हुए भी वीडियो में शूट कर लिया है। तो ये सोचा था कि अगर अच्छी बनेगी तभी आपको मैं ये वीडियो की रेसिपी दूंगी, और तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन के तैयार हुई। तो चलिए अभी हम वीडियो शुरू करते हैं, नए तरीके से भिंडी की सब्जी किस तरह आप बनाएं और फिर आप बार बार खाना पसंद करेंगे। सीमा की रसोई यम्मी व सिंपल रेसिपीज का अवार्ड विनर कुकिंग चैनल अभी सब्सक्राइब कर। यहाँ पे मैंने लिए हैं 500 ग्राम भिंडी। तो भिंडी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और भिंडी को मैंने आधा घंटे के लिए पानी में डाल के भिगो के रख दिया है। इससे पहले मैंने 4 से 5 पानी धो के तैयार कर लिया, ताकि भिंडी में अगर कोई मिट्टी है या दवाई भी डाली जाती है भिंडी में, क्योंकि कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इसके लिए भिंडी को अच्छे से धो के साफ़ करना ज़रूरी होता है। और मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है, ताकि भिंडी अच्छे से साफ़ हो सके। और इसके बाद में हम साफ़ कपड़े से पोंछ के और पानी सुखा के फिर हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो आधा घंटा भिगोना भी ज़रूरी होता है भिंडियों को, ताकि अच्छे से साफ़ हो सके। तो इस तरह मैंने भिंडी को साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद में अच्छे से पोंछ के और फिर मैंने कटिंग करके इस तरह तैयार कर लिया है। और इसके बाद में लिया है साथ में 1 कटोरी दही। तो दही ज़्यादा पुराना ना लें। और एक मैंने बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, जिसे कटिंग कर लिया है। एक हरी मिर्ची ली है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, जो गर्म हो गया है। और इसके बाद में हम भिंडी को तेल में डाल देंगे और अच्छे से तल के फिर हम बाहर निकालेंगे। जब तक भिंडी में पानी की आवाज़ आएगी, तब तक हमें तलना है। जब आवाज़ आनी बंद हो जाए, तब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो अच्छे से तल के तैयार कर लेना है भिंडी को, और फिर हम छलनी में डालते जाएंगे, ताकि जो भी तेल है वो छलनी से बाहर निकल जाए, एक्स्ट्रा तेल। तो इसी तरीके से मैंने सारी जितनी भिंडी थी कटिंग की हुई, वो सब मैंने तल के तैयार कर ली है इस तरह। तो भिंडी को मैंने यहाँ पे तल लिया है, फ्राई कर लिया है। और नहीं तो क्या होता है कि हम कढ़ाई में डालेंगे तो वो एकदम राल छोड़ देती है, चिपचिपी हो जाती है। तो तल के हमने इस तरह तैयार कर लिया है। इसका जो चिपचिपापन था बिल्कुल खत्म हो गए हैं और इससे ये कुरकुरापन जो भिंडी में है बहुत अच्छा आ गया है। और अभी हमने जो दही लिया है, उसे हम एक बर्तन में निकाल के थोड़ा फेंट के तैयार कर लेंगे। इस तरह थोड़ा फेंट लेना है, पानी नहीं डालेंगे दही में हम साथ में। और एक कढ़ाई में तेल डालेंगे 1 कड़छी, और हल्का सा मैं तेल ऊपर डाल रही हूँ। तो तेल की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और तेल आप जो भी खाते हैं आप ले सकते हैं। और इसके बाद में मैं जलाने वाली हूँ गैस, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी पतली है। तो अभी मैं बाद में फिर गैस जलाती हूँ। इसके बाद में जीरा और हल्की से हम राई डालेंगे। उससे पहले हम गैस को थोड़ा कम कर लेंगे। तो तेल गर्म होने के बाद में जीरे के बाद में हम हल्की सी राई डाल देंगे। इससे भिंडी में स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। और इसके बाद में हम डालेंगे हींग। तो हींग आप जो भी कंपनी की खाते हैं आप डाल सकते हैं। तो हींग डाल दिया मैंने। और इसके बाद में हम डालेंगे हरी मिर्ची और साथ में डाल देंगे प्याज। प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से पकाने के बाद में, बिल्कुल हल्का सा मैंने इस तरह पका लिया है। और इसके बाद में हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। और इसके बाद में आधा चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, और नमक हल्दी में अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। तो जब भी जो भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें शुरुआत में मैं नमक हल्दी ही डालती हूँ। इससे हल्दी का जो कड़वापन है वो नहीं रहता, और सब्ज़ी का कलर और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो नमक हल्दी में इस तरह पका लिया है मैंने, आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आ गया हल्दी का, और खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है फिर। और इसके बाद में डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच ऊपर। और इसके बाद में हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्ची पाउडर डाला है मैंने। और अच्छे से इस तरह मसाला तैयार कर लेना है। तो गैस की आंच को मैंने कम कर रखा है फिलहाल। और इसके बाद में डालेंगे हम 1/4 चम्मच गरम मसाला। तो गरम मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और इसके बाद में जो हमने भिंडी तल के रखी है वो हम कढ़ाई में डाल देंगे और फिर हम अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देंगे, मिला लेंगे अच्छे से। इस तरह मिला लेना है मसाले में। और इस तरह अच्छे से हमें मिक्स कर देना है भिंडी को मसाले में। और इसके बाद में हम डालेंगे दही जो हमने बर्तन में तैयार करके रखा है, और फिर थोड़ा इस तरह चला देना है ताकि दही फटे नहीं, क्योंकि कढ़ी भी हम बनाते हैं तो थोड़ा इस तरह चलाना ज़रूरी होता है ताकि फटे नहीं, क्योंकि दही कभी कभी फिर फट जाता है। तो थोड़ा इस तरह अच्छे से भिंडी में मिक्स कर दें दही को। और जिस बर्तन में हमने दही लिया उसमें बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के, और फिर हम कढ़ाई में डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, और मिला देंगे। तो मैंने दही डाला है भिंडी के साथ में, क्योंकि भिंडी जो है वो डॉक्टर मना करते हैं जिनकी पथरी होती है या एडी में दर्द होता है, क्योंकि भिंडी में ऑक्सलेट पाया जाता है जो कि हमारे कैल्शियम को तोड़ता है, और दही में कैल्शियम होता है जो कि हमारे हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है। तो दोनों चीज़ें अगर हम एक साथ में डालेंगे तो हमारे नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि भिंडी जो ऑक्सलेट होता है और हमारा कैल्शियम अगर तोड़ेगी तो जो दही है वो हमारा कैल्शियम वापस बना देगा, और इससे हमारे कोई हानि भी नहीं होगी और सब्ज़ी में स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये फार्मूला मैंने जो अपनाया है वो आप भी ज़रूर अपनाएं और सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाएं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और फिर भिंडी इस तरह से बनाने के बाद में हम खाते हैं तो वो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाती। और थाली लगा के हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, गैस की आँच को थोड़ा कम कर देंगे और बीच बीच में थोड़ा चेक करते रहेंगे। और ये देखिए तेल अलग हो गया है, भिंडी की जो सब्ज़ी है बन के तैयार हो गई है तेल अलग होने के बाद में, ये देखिए, और पानी भी नहीं रहा बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है देखिए सब्ज़ी हमारी। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और भिंडी की सब्ज़ी तैयार होने के बाद में इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे। और इस तरह तैयार होने के बाद में मैंने बर्तन में निकाल लिया है भिंडी की सब्ज़ी को, और अभी मैं साथ में रोटियां बना रही हूँ ताकि सब साथ में बैठ के खा लें खाना। और इस तरह मैं रोटियां बना के तैयार कर रही हूँ, साथ में चावल दाल भी हो गए हैं, तो पूरी थाली तैयार हो गई। अब घर वालों से हम जान लेते हैं इनको भिंडी की सब्ज़ी कैसी लगी है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये रेसिपी, बहुत अच्छी लगी, हमने खाई, बहुत अच्छी भिंडी बनी है ये। और इसमें दही का अलग ही टेस्ट आ रहा है, दही से और भिंडी से बहुत स्वादिष्ट हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा की रसोई यम्मी व सिंपल रेसिपीज का अवार्ड विनर कुकिंग चैनल अभी सब्सक्राइब करें। और ये वो कमेंट है जो मेरे पिछले रेसिपी में आए थे वीडियो के नीचे, तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आप इसी तरह चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस रेसिपी के नीचे जो भी कमेंट आएंगे वो मैं अगले वीडियो के अंत में डाल दूँगी, जो भी कमेंट आएंगे। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।